हेलो डियर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो इमेजेस जो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, आप उन्हें कंबाइन कैसे करें। जैसे कि फॉर्म्स के अंदर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय हमें आधार कार्ड बेसिकली अपलोड करना होता है, जिसका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों होता है। तो एक हम फ्रंट, जैसे कि आप ये कंबाइन इमेजेस इस पे, इस फोल्डर पे क्लिक किया, एक फ्रंट आपका आधार कार्ड हो गया और एक बैक साइड होगी आपके आधार कार्ड की। अब ये अलग अलग है, बट इन दोनों को एक इमेज कैसे बनाए वो देखेंगे आप। बड़ा सिंपल तरीका है। फर्स्ट, पहली इमेज पर आप आए जो कि आपका फ्रंट है, राइट क्लिक कीजिए, ओपन, ओपन विद पेंट कीजिए आप। ओपन विद पेंट करने के बाद ये आपकी ओपन हो गई पेंट में इमेज फ्रंट वाली। अब बैक और लेकर आनी है आपको यहाँ पर, तो कैसे लेकर आए, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ये जो एरिया है आपका, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ये थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम, ये यहाँ पर आकर थोड़ा सा ये यहाँ से जितना इजीली आप यहाँ पर आ सके वो। दूसरा, इसको एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर आपका दिस वन पेस्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने किस पे आना है, इम्पोर्ट पर। किस पर? इम्पोर्ट पर। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये, आपकी कंबाइन इमेज फोल्डर के अंदर हमने ये इमेज ली हुई है, इस पर सेकेंड वाले पे क्लिक किया, ओपन करेंगे तो ये ऊपर आ गई। लेफ्ट क्लिक दबा के आप इसे नीचे खींचेंगे, बाहर क्लिक नहीं करना आपने, इसको नीचे ये। अब ये यहाँ पर लाकर आपने इसको ऐसे छोड़ देना है क्लिक, और अब बाहर क्लिक कीजिए, सिलेक्शन हट गया। देन आप सेलेक्ट टूल लें, इसको ये यहाँ से जितना ये पूरा है इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप ये आपका क्रॉप, क्रॉप करने में फिर क्रॉप करके फाइल में गए, सेव एज जेपीजी इमेज में, आप यहाँ पर आधार, कार्ड ये नाम दे दिया हमने और सेव कर दिया, एंड इसे क्लोज करेंगे। अब देखिए कंबाइन फोल्डर के अंदर आपका जो फ्रंट आधार का वो भी है, आधार का बैक भी है, और आधार कार्ड आपका फ्रंट और बैक ये दोनों कंबाइन होकर आ गए। थैंक्स, धन्यवाद।